हेलो एवरी वन वेलकम टू वस एजुकेशन टूडे वी विल डिस्कस ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर इसे हम बी से डिनोट करते हैं देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है जो भी आपके पास मान लो यहाँ से अल्फ़ा यह पार्टिकल जा रहा है ये इस तरह से स्कैटर्ड हो जाता है बाय सम एंगल थीटा बिकॉज न्यूक्लियस क्या करता है उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाता है ना ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर को इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में इनिशियल विलोसिटी वैक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल या आपके पास अल्फा पार्टिकल है ठीक है इसका जो क्या है इनिशियल विलोसिटी वैक्टर है स्टार्टिंग में ही मतलब जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्या है एटम से क्या है बहुत ज्यादा दूर है ठीक है इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के साथ इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर क्लियर है इसे हम बी से डिनोट करते हैं अब देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं अब देखो आपको जैसे इस फिगर से ही क्लियर है अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है मीन्स ये वाला डिस्टेंस जीरो हो जाता है तो फिर क्या होगा देखो यहां से जा रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री है ना हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से अंडरस्टैंड किया है बिकॉज क्या है देखो अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है इट मींस क्या होगा जो भी आपके पास अल्फा पार्टिकल है वो इधर से आएगा अगर जब वो सेंटर से आता है तो क्या होता है वह वही वाला पाथ फॉलो कर देता है रिट्रेस करता है उसका अपना पाथ मीन स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे वन एट्टी डिग्री है हाँ ना वही राइट वही चीज हमने राइट डाउन किया देखो वेन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी जीरो बी की वैल्यू जब जीरो पार्टिकल इज रिवर्स्ड बैक अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ वापिस चला जाएगा वो क्लियर ओके okay. अब अगर हम कहें फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है मीन ये इम्पैक्ट इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है मान लो यहां तक है ठीक है तो क्या होगा फिर उसमें स्केटरिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी बहुत ही कम ऑलमोस्ट जीरो वो स्कैटर्ड ही नहीं होगा है ना अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा वो देखो ये तो यहीं से क्लियर है मान लो अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ठीक है तो वो तो क्या होंगे देखो वो तो ऐसे ही पास कर जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड ही है ना उसमें स्केटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो वो स्केटर्ड ही नहीं होंगे जितने ज्यादा B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू जीरो होगी उसमें बिकॉज वो बहुत ज्यादा दूर है अब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस उस पर अपना इंपैक्ट ही नहीं डाल पाएगा है ना उस पर रिपल्सिव फोर्स ही नहीं लगा पाएगा तो उसमें कोई स्कैटरिंग भी नहीं होगी उन अल्फा पार्टिकल्स पे देखो फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक जो भी रिपल्सिव फोर्स है अल्फा पार्टिकल पे बहुत ज्यादा वीक होगी एंड इट passes ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड तो वो कैसे पास होगा अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा वो अल्फा पार्टिकल क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट ठीक ठीक है अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है अगर impact पैरामीटर की वैल्यू स्मॉल होगी मीन्स इसकी वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो स्कैटरिंग एंगल भी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा बिकॉज देखो इस तरह से जाएगा वो नजदीक जाएगा न्यूक्लियस के है ना न्यूक्लियस के जितने नजदीक से जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा उसको उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा और वो उतने ही ज़्यादा एंगल से क्या हो जाएगा स्कैटर्ड हो जाएगा है ना अगर बी की वैल्यू क्या होगी स्मॉल होगी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर कम होगी तो रिपल्सिव फोर्स कैसी लगेगी उस पर ज़्यादा लगेगी और जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या करेगा लार्ज एंगल से स्कैटर्ड करेगा क्लियर फॉर स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड सो द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल तो लार्ज एंगल से स्कैटर्ड होगा क्लियर हो गई देखो ये छोटा सा टॉपिक था इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में ये वाली चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है देखो हाँ एक, ये वाला फॉर्मूला है इंपैक्ट पैरामीटर का वन बाय फोर पाई नॉट होती है इसकी वैल्यू जेड ई स्क्तर कॉट थीटा बाई टू डिड बाई हाफ एम वी स्क्र क्लियर है इंपैक्ट पैरामीटर का ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है क्लियर है इतनी ही सी चीजें हैं देखो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में है ना एक तो आपको देखो पता होना चाहिए इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस या तो आप ये चीज ऐड करो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बिकॉज इनिशियल बात कर रहे हैं हम जब स्टार्टिंग की बात है ना या तो आप लिख सकते हो कि जब अल्फा पार्टिकल एटम से क्या है बहुत ज्यादा दूर है उसके और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं और इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर बी की वैल्यू क्या होगी कम होगी ठीक है तो जो आपके पास स्कैटरिंग एंगल है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड करेगा अगर बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी कम वो कम एंगल से स्कैटर्ड करेगा अल्फा पार्टिकल और अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो फिर क्या करेगा स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू हो जाएगी वन एटी डिग्री वो रीट्रेस करेगा अपना ओरिजिनल पाथ बस ये चीजें आपको याद रखनी है आई थिंक आपको क्लियर हो गया ओके थैंक यू